हेलो फ्रेंड्स, मैं परमानंद साहू, सहायक प्राध्यापक योग विज्ञान विभाग, श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय, धनेली रायपुर। आज का हमारा विषय है भ्रामरी प्राणायाम की विधि, लाभ एवं सावधानियां। सर्वप्रथम हम किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठते हैं। ध्यानात्मक आसन चाहे अर्धपद्मासन हो, पद्मासन हो, सिद्धासन हो, सुखासन हो, स्वस्तिकासन हो, जिस आसन में आपको सुविधाजनक लगे, जिस आसन में आप अधिक समय तक बैठ करके प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं, उस ध्यानात्मक आसन में सबसे पहले हम बैठते हैं। बैठने के बाद हमारा जो शरीर है वो पूरी तरह से स्ट्रेट रहना चाहिए। हमारा स्पाइनल कॉर्ड, हमारा गला, हमारा सिर पूरी तरह से सीधा रहना चाहिए। शरीर में किसी भी तरह से गति या मूवमेंट नहीं होना चाहिए। शरीर पूर्णतः स्थिर होना चाहिए। मन शांत रहना चाहिए, चित्त शांत रहना चाहिए, इंद्रिय पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में होना चाहिए। एकाग्रता पूरी तरह से अपने ध्यान पर या अपने साधना पर या अपने प्राणायाम पर रहना चाहिए। ध्यान रखेंगे कि जब हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो हमारा जो शरीर है वो किसी भी तरह से झुका हुआ नहीं रहना चाहिए, नहीं लेफ्ट साइड, नहीं राइट साइड, नहीं सामने की तरफ और नहीं पीछे। शरीर पूरी तरह से स्थिर रहेगा और किसी भी प्रकार का गति मूवमेंट आपके किसी भी बॉडी पार्ट्स में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तत्पश्चात हम दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखते हैं, दोनों नेत्रों को हम बंद करते हैं, शरीर को पूरी तरह से शिथिल करते हैं। हमारा शरीर किसी भी तरह से तनाव की अवस्था में नहीं रहना चाहिए। हमारे फेस में किसी भी तरह का एक्स्ट्रा एक्सप्रेशन नहीं रहना चाहिए। शरीर पूरी तरह से सुखद अवस्था में रहना चाहिए। तत्पश्चात हम दोनों हाथों की अंगूठों को, दोनों हाथों की जो थंब है, अंगूठा है, उसको हम दोनों कानों पर रखते हैं। और रखने के बाद इंडेक्स फिंगर, दोनों हाथों की जो इंडेक्स फिंगर है उसे हम फोरहेड पर रखते हैं। और दोनों हाथों की जो तीन उंगलियाँ हैं उसे हम हल्के से आँखों के ऊपर में रखते हैं। रखने के बाद में हम वेग पूर्वक धीरे धीरे हम भ्रमर गुंजन के समान श्वास लेते हैं, पूरक करते हैं। तत्पश्चात भ्रमर गुंजन के समान ही आवाज करते हुए हम धीरे 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 श्वास को बाहर निकालते हैं। यही भ्रामरी प्राणायाम है। और जब साधक इस भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करता है तो साधक के चित्त में एक अपूर्व आनंद लीला की प्राप्ति होती है। भ्रामरी प्राणायाम का लाभ। भ्रामरी प्राणायाम का पहला लाभ यह है कि जैसे मानसिक विकृतियां हो गया, जैसे तनाव हो गया, चिंता हो गया, क्रोध हो गया, गुस्सा हो गया, ये पूरी तरह से दूर होता है, ये पूरी तरह से नियंत्रण में आता है जब हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। दूसरा, हमारा जो मेमोरी पावर है वो जब वीक हो जाता है, या हम ये बोल सकते हैं कि जब हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हमारी स्मृति जो शक्ति है या मेमोरी जो पावर है वो इससे इंक्रीज होता है, इससे बढ़ता है। और बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी प्राणायाम है। बच्चों को पढ़ने के पहले भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए। जब हम प्राणायाम का नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तो याद करने की क्षमता या हमारा जो स्मरण शक्ति है वो पूरी तरह से बढ़ता है। तीसरा भ्रामरी प्राणायाम का लाभ यह है कि जब हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो इस प्राणायाम के अभ्यास से हमारा जो आवाज है वो पूरी तरह से मधुर हो जाता है। नेक्स्ट है भ्रामरी प्राणायाम के लिए प्रिकॉशंस क्या क्या है। पहला प्रिकॉशंस ये है कि जब हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हमारे कानों में यदि किसी प्रकार का संक्रमण रहता है तो उस दौरान या उस समय भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास हमें नहीं करना चाहिए, उस समय हमारे लिए वर्जित है। दूसरा प्रिकॉशंस ये है कि अंगूठों का जो नाखून है वो पूरी तरह से कटा हुआ रहना चाहिए, क्योंकि जब हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हम अंगूठे को दोनों कानों पर रखते हैं। यदि अंगूठे का नाखून यदि बढ़ा हुआ है तो कानों से वो टच होगा और हो सकता है यदि ज्यादा बड़ा हो तो ब्लड आने का भी चांसेस रहता है। इसलिए जब हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो नाखून पूरी तरह से कटा हुआ रहना चाहिए। तीसरा प्रिकॉशंस ये है कि जब हम उंगलियों को आंखों पर रखते हैं तो बिल्कुल किसी भी तरह से दबाव नहीं देना चाहिए।
जितना हल्के से हो सके हम उंगलियों को आंखों पर रखते हैं। तो ये है भ्रामरी प्राणायाम की विधि, उसका लाभ एवं प्रिकॉशंस। थैंक यू।